सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी और क्रिस्पी पटेटो लॉलीपॉप्स की रेसिपी। आलू से बना ये ज़बरदस्त स्नैक आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। फिर चाहे आप इसे पार्टी में स्टार्टर्स की तरह सर्व करें या बच्चों को शाम के नाश्ते में इसे बनाकर खिलाएं, सब आपकी वाह वाह करते नहीं थकेंगे, इस बात का मुझे पक्का यकीन है। इन लॉलीपॉप्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वैसे ये रेसिपी थोड़े से अलग स्टाइल की है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। खाने के साथ साथ आप इसे बनाना भी उतना ही इंजॉय करेंगे। चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 उबले हुए आलू। ये देखिए, मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं यहाँ पर मैंने। अब हम एक ग्रेटर लेंगे और इसकी ये वाली साइड से ग्रेट कर लेंगे इनको। वैसे तो हम इनको सीधा भी मैश कर सकते थे, पर वो बराबर नहीं होता है और आलू के एक दो छोटे टुकड़े रह ही जाते हैं उसमें। इसीलिए यहाँ पर हम इनको ग्रेट कर रहे हैं ताकि कोई टुकड़े ना बचे, क्योंकि लॉलीपॉप्स बनाने के लिए बिल्कुल ईवन मिक्सचर चाहिए हमको। ये देखिए इस तरह का। चलिए अब इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पहले अब इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ हरा प्याज यानी स्प्रिंग अनियन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ऐसे ग्रेट किया हुआ, और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद हम मसालों में ऐड करेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/3 टीस्पून नमक। ऊपर से हम ऐड कर देंगे कुछ हरे धनिए की पत्तियाँ और 2 चुटकी हींग। मिला देते हैं सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और ऐसे हाथ से ही मिक्स करके गूंथ लेंगे इसको। ये ब्रेड के क्रम्स मैंने घर पर ही बनाए हैं, बहुत ही आसान तरीका है इनका। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा आप। इनको मैंने इस आलू के मिक्सचर को बाइंड करने के लिए डाला है यहाँ पर। मिक्सचर तैयार होने के बाद हम इनको लॉलीपॉप की शेप देने के लिए सबसे पहले हाथों पर लगाएंगे हल्का सा तेल और फिर 2 टेबलस्पून के करीब पोर्शन लेकर ऐसे लड्डू जैसा गोल बना लेंगे इसको। फिर आप लीजिए एक आइसक्रीम स्टिक, ये देखिए इस तरह की, मार्केट में आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, और इस आलू के मसाले को इस पर ऐसे लपेट दीजिए। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमें बराबर डिपॉजिट कर देना है इसे स्टिक पर। ध्यान रखिएगा ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, तभी ये अच्छे से फ्राई होंगे, वरना ये तेल की कढ़ाई में डालते ही टूटकर बिखर सकता है। ये देखिए एक पीस तैयार हो गया है हमारा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस हाथों पर हल्का सा तेल लगाना है, 2 टेबलस्पून के करीब मसाले का पोर्शन लेना है और उसे पहले बॉल की शेप दे देनी है। उसके बाद लेनी है एक आइसक्रीम स्टिक और मसाले को उस पर बराबर लपेट देना है इस तरीके से।
देखने में थोड़ा टफ लग सकता है पर आसानी से हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको इसमें। ऐसे ही हम बाकी के पीसेस भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इनकी। इसके बाद इन लॉलीपॉप्स की ऊपर की क्रिस्पी लेयर बनाने के लिए हमें एक घोल तैयार करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले चाहिए 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून नमक। ऊपर से हमें डालना है 1/4 कप पानी और मिलाकर एक घोल तैयार कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है, ध्यान रखिएगा कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें। चाहें तो और पानी डाल सकते हैं, हमारे घोल की फाइनल कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। चलिए अगले स्टेप के लिए हमें चाहिए ये पोटैटो लॉलीपॉप्स, अभी बनाया हुआ कॉर्नफ्लावर और मैदे का घोल और साथ में 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स। अब आप एक लॉलीपॉप लीजिए और इस घोल को इस पर अच्छे से ऐसे लगा दीजिए। फिर जब ये पूरा भीग जाए हम इसे ब्रेड क्रम्स से कवर कर देंगे। ऐसे अच्छे से कवर कर देना है, बिल्कुल एक थिक कोटिंग हो जानी चाहिए क्रम्स की इस पर। किनारों से ऊपर से कहीं से भी रहना नहीं चाहिए। ये देखिए एक पीस तैयार हो गया है हमारा। इसी तरह से हम बाकी के पीसेस को भी मैदे के घोल में भिगोकर ब्रेड क्रम्स से कवर कर देंगे ताकि एक आउटर लेयर तैयार हो जाए इनके ऊपर। ये स्टेप करते ही आप देखेंगे कि ये लॉलीपॉप्स बहुत ही अच्छे दिखने लगे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले स्टार्टर्स के जैसे बिल्कुल। फटाफट से ऐसे ही सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं हमने। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये देखने में। एक बार पक्का ट्राई कीजिएगा, खाने में भी ये उतने ही टेस्टी हैं। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल काफ़ी गर्म है, ध्यान से एक एक पीस डाल देना है हमें इसमें धीरे धीरे बिल्कुल। इनको पलटने के लिए आप एक चिमटा लीजिए और इसकी स्टिक को ऐसे पकड़कर पलट दीजिए। पोटैटो लॉलीपॉप्स को फ्राई करने के लिए तेल काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी ये क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तेल अगर थोड़ा भी ठंडा रह जाएगा तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं और हो सकता है टूटकर बिखर भी जाएं इसमें, इसीलिए ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर में ये ऐसे ब्राउन होकर क्रिस्पी हो जाएंगे बिल्कुल। ऐसा होने पर हम एक टिश्यू पेपर लगी हुई प्लेट में निकाल लेंगे इनको, ताकि जो इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर ले। स्टिक से पकड़कर निकालेंगे तो बेहतर रहेगा, शेप खराब नहीं होगी इनकी। बाकी के पीसेस भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे हम। तेल बहुत ही गर्म है इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। इमली की चटनी, धनिए की चटनी, किसी भी चीज़ के साथ आप इनको खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप एक ही बार में 7 अलग-अलग तरह की चटनियों की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लॉलीपॉप्स भी फ्राई हो गए हैं, ये देखिए कितना तेल सौंख लिया है टिश्यू पेपर ने। हमेशा फ्राई करते हुए यूज़ करना चाहिए इनको। और ये देखिए हमारे लॉलीपॉप्स कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त लग रहे हैं, है ना? इनको एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो बस ये थी हमारे टेस्टी और क्रिस्पी पोटैटो लॉलीपॉप्स की रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। Thank you for watching.